अब देखते हैं नेक्स्ट चक्रा, जो फिफ्थ चक्रा है, थ्रोट चक्रा। इसे हम विशुद्ध भी बोलते हैं। कलर ब्लू है। लोकेशन सेंटर ऑफ दी नेक होता है, सेंटर बेस ऑफ नेक। थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण हम फिजिकल इश्यूज जैसे थ्रोट प्रॉब्लम्स होना, थायराइड इश्यूज होना, सोर थ्रोट होना, ईयर इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं। क्योंकि ये थ्रोट चक्रा है तो इसका एलिमेंट साउंड है। अगर इस चक्रा में ब्लॉकेजेस है, अगर ये अंडर एक्टिव है, फंक्शन कम कर रहा है, तो हमें कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब हम अपने फीलिंग्स और थॉट्स ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या एक अनरिलायबल होना, या हमारे फीलिंग्स इनकंसिस्टेंट रहते हैं, तो ये अंडर एक्टिव फंक्शन होने के कारण होता है। और अगर ये एक्सेसिव फंक्शन कर रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा, कभी कभार लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या बहुत एरोगेंट होते हैं, अपने ओपिनियंस दूसरों पर थोपते हैं, या फोर्स करते हैं दूसरों को अपने ओपिनियंस के हिसाब से चलने के लिए, तो ये एक्सेसिव फंक्शन करता है, तब ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये बैलेंस्ड है, तो इंसान का कम्युनिकेशन स्किल्स और एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है वो इंसान, उसके आर्टिस्टिक टैलेंट्स हो सकते हैं। थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड होगा, तो हम प्रेजेंट मोमेंट, जो नाउ मोमेंट है, उसमें रह सकेंगे। नहीं तो हम अक्सर पास्ट और फ्यूचर में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोच सोच के, तो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम थ्रोट चक्रा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन वाइज देखिए तो फूड्स जो ब्लू है, जैसे ब्लूबेरीज, पीच, एप्रिकॉट्स, फिग्स, ये सब फूड्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। नेक्स्ट है कि हमें अपने लिसनिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लिसनिंग एटीट्यूड भी उतना ही ज़रूरी है। अगर सामने वाला हमें कुछ बताने की कर रहा है, तो हम पहले उसे अच्छे से सुन ले, उसके बाद अपना व्यू पॉइंट दे। तो हमें उस पे ध्यान देना है कि एक लिसनिंग एटीट्यूड रखना है, और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी अपने ध्यान देना है कि कब कितना क्या बोलना है। तीसरा है पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर हम रिपीटेड बोलते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स भेज रहे हैं। हमने जो ऑलरेडी लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थिंकिंग बनाई रखी है, वो सब नेगेटिव थिंकिंग क्लियर होती जाती है, वो ब्लॉक्स रिमूव होते जाते हैं, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस है, इट इज़ गुड, राइट एंड सेफ फॉर मी टू एक्सप्रेस माई ट्रू सेल्फ। तो जितना हो सके हम इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करें दिन में, और एटलीस्ट 21 डेज तक हमें रिपीट करना है।